दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन आया रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का भयंकर तूफान, तो खूंखार रोहित शर्मा ने ठोक डाला दोहरा शतक। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने रच दिया नायक कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे रोहित के साथ मिलकर पंत और जडेजा ने रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वरक्षरों से अर्जित कर न्यूजीलैंड की टीम को खामोश कर दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत कर दो न्यूजीलैंड का घमंड आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बदले की आग में तड़प रही टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में उनका हाल बेहाल करने वाली है। जी हां, सबसे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच में मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान टॉम लैथम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि ये फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा। जहां सबको लग रहा था मुंबई की पिच पर एक बार फिर बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिलेगा, वहीं पिच क्यूरेटर ने ऐसा गेम प्लान बनाया कि पिच शुरू से ही गेंदबाजों के मुफीद थी और उसी का तगड़ा फायदा उठाते हुए भारतीय गेंदबाज खासतौर पर अश्विन और सुंदर ने तो न्यूजीलैंड पर धावा बोल दिया और अपनी कातिलाना फिरकी से ऐसा गदर मचाया कि सितारों से सजी पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की क्रिकेट की 250 रन भरी भारत के सामने टीम घुटने टेक गई थी। जी हाँ, जहाँ टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक 6 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने अपने नाम किए, तो वहीं 4 सफलता अश्विन के नाम रही और इन दोनों ने अकेले न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। ऐसे में टीम इंडिया के पास मौका था न्यूजीलैंड पर बहुत बड़ा लीड बनाने का। ऐसे में जब मैच शुरू हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की। हालांकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया केवल 50 रन बना पाई थी और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। यशस्वी 12, विराट 3 तो गिल 14 रनों के स्कोर देकर वापस पवेलियन चले गए। ऐसे में टीम इंडिया काफी दबाव में थी। दूसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम को संभालना था, हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे पिछले कप्तान रोहित ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर वो कारनामा कर दिखाया। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ही न्यूजीलैंड की खरारी हार 90% सुनिश्चित हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने सुबह सुबह आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्टेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तो अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक पंत की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक पंत गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक रोहित ने समझदारी दिखाते हुए खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने कीवी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे बुलाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, ऋषभ ने मैच 40 गेंद पर 4 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन वो अकेले ही नहीं थे जो न्यूजीलैंड पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनके साथ आया है हिटमैन नाम का तूफान, जिसमें कीवी टीम को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। जी हां, रोहित ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एजाज पटेल की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में कप्तान ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए रोहित ने ऐसे कई दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो कोहली से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पार पानी फेरते हुए एक नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। रोहित ने तो पंत से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। मैट हेनरी, टीम सऊदी से लेकर एजाज पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए ऋषभ पंत तो इस मैच में भी अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी बारिश से ही पंत को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर न्यूजीलैंड की तबाही लिखी हुई थी। ऋषभ पंत का विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के दूसरे सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ रोहित के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, रोहित तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान वो आउट होने से बाल बाल बचे थे, लेकिन दोस्तों सल्यूट इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और ऋषभ पंत का बदला लेते हुए उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के सर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर तीसरे टेस्ट मैच में आखिरकार 90 इंतजार के बाद अपना शानदार शतक ठोकर पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपने इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी जिसमें उन्होंने 103 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब यहाँ न्यूजीलैंड टीम खून के आंसू रो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गिरते विकेटों के बीच रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी, वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और दूसरे दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया।
दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे लेकिन वो टेस्ट से बस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्कों और 2 चौकों के बल्ले से निकले और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 98 रन बनाकर वो भी केवल 89 गेंद पर नाबाद रहे, तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 480 रन बना चुकी थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। जहां जडेजा ने तो 98 रन बनाए लेकिन असली महफिल तो कप्तान रोहित लौट गए, जिन्होंने न केवल अपने बल्ले से शतक लगाया बल्कि दोहरा शतक जड़कर भी उन्होंने जडेजा का साथ 150 की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया। खुद 224 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल डाली। इस दरमियान उनके बल्ले से 16 चौके और 6 तूफानी छक्के भी निकले जिन पर न्यूजीलैंड की बर्बादी लिखी हुई थी। न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे जीता हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस मुकाबले के दूसरे दिन तो रोहित और रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। जिसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मैच जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।